गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस साइंस क्लास। आई एम कविता गुप्ता, योर साइंस टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर, चैप्टर 11, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ओके, इन दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसपेरेंट, ऑपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, एंड व्हाट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इन सब की डेफिनेशंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज शेडोज। What exactly shadows are, है ना, मीन shadows क्या होती है, किस तरीके से ये बनती है और shadow को बनने के लिए हमें किन किन objects की जरूरत पड़ती है, ये हम आज इस chapter में पढ़ेंगे। Okay, so let's start the chapter. Now, one by one, hold each of the opaque objects in the sunlight. Opaque objects, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, opaque objects क्या होते हैं, ठीक है, जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, है ना, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कांट सी, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, मींस हमें एक एक करके अपने हाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट्स को रखना है और उन्हें कहाँ रखना है, सनलाइट के सामने, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर आपको क्या दिखाई देती है, आपको शेडोज नजर आती है उसके ऊपर, हर चीज की शेडो बनती है, कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो हम ग्राउंड पर या वॉल पर देख सकते हैं, है ना, मीन्स केवल किस ऑब्जेक्ट्स की, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स की, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेडोज नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट को अपने अंदर से पास होते हैं, होने देते हैं, है ना, तो उनका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मीन्स वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो उनकी भी शेडोज नहीं बनती है, ठीक है। मीन्स भी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट उस लाइट को वहीं रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, तो उससे उस एरिया पे एक डार्क कलर की शेडो बन जाती है ना, तो केवल किस ऑब्जेक्ट्स की शेडोज बनती है, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स की। और हमेशा शेडो बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, एक तो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए और सेकेंडली क्या होना चाहिए, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी लाइट हो सकती है, वो सनलाइट भी हो सकती है, टॉर्च की लाइट भी हो सकती है, इवन कैंडल की लाइट भी वो हो सकती है, बट एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, है ना। यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड, बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो, है ना, एक डार्क कलर का पैच हम देखते हैं किसी भी शेडो जब बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो एक डार्क कलर का, बिल्कुल ब्लैक कलर का शेडो हमें नजर आता है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो, कभी कभी हमें शेडो देख के पता भी चल जाता है, जैसे किसी ट्री की शेडो बन रही है या एरोप्लेन है, कोई पर्टिकुलर आपका टॉय है ना, तो उसकी शेडो को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसकी शेप को देखकर कि हाँ ये किस ऑब्जेक्ट की शेडो है, बट मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मीन्स जैसे बुक है, नोटबुक्स हैं, किस एंगल से हम उस पर लाइट गिर रही है, किस एंगल से शेडो बन रही है, तो वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम उसकी जो शेप है उसको एग्जैक्टली डिफाइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर क्या करना है हमें, पेपर शीट को स्प्रेड करना है। होल्ड अ फेमिलियर ऑपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और एक थोड़ी हाइट पर हमें एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रखना है, फेमिलियर मीन्स जिसे आप जानते हैं अच्छे से कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. तो ground पर उस paper sheet के ऊपर उसकी shadow हम easily identify कर सकते हैं। Ask one of your friend to draw the outline of the shadow while you are holding the object. ठीक है, means आपने object को hold करके रखा हुआ है, उसकी shadow paper sheet पर बन रही है, तो उस पेपर शीट के ऊपर अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बोलें कि उसकी क्या करें, आउटलाइन ड्रॉ करें, जो भी शेडो बनी है उस शेडो की आउटलाइन ड्रॉ करें, तो आपको थोड़ा सा उसका हिंट मिल सकता है कि एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट क्या है। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की शेडोज की आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स From these outlines of shadows, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट से
आपने आउटलाइन ड्रॉ कर दी थी किसी और पर्सन को जिसने ये सी चीज़ें नहीं देखी हैं, है ना। आपने आउटलाइन ड्रॉ करके किसी और फ्रेंड को अगर आप दिखाएंगे तो वो उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। आपने केवल आउटलाइन ड्रॉ की है, उसे देखकर वो बता सकता है कि एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट क्या था। कोई एरोप्लेन था, कोई बर्ड थी, कोई टॉय था, क्या था, है ना। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, और आप उसे देख सकते हैं कि मीन्स एक तरीके से आपका ये एक्टिविटी हो जाएगा कि वो कितने ऑब्जेक्ट्स की शेडो को आइडेंटिफाई कर पाता है। ओके, डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। ठीक है, मीन्स आपने देखा है अपनी शेडो को एक डार्क रूम के अंदर या एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई भी लाइट नहीं है, या हम कह सकते हैं नाइट में, रात के टाइम जब वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है या कोई डार्क रूम है उसके अंदर आपको शेडो बनती हुई नजर आती है? नो, हमें शेडो नजर नहीं आती है, है ना। शेडो, शेडो मीन्स क्या समझ रहे हैं आप? शेडो मीन्स होता है परछाई। परछाई आप सभी जानते हैं हमारी बनती है हर ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स है उसकी क्या बनती है? शेडो बनती है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। ओके, डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स? मीन्स ऑब्जर्व करेंगे कि शेडो है कि वहां पर केवल सोर्स ऑफ लाइट है और कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इन अ रूम इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? ओके, मीन्स किसी भी, अंडरलाइन कर लेना इसे, क्या है कि किसी भी शेडो को बनने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। अभी तक हम केवल दो चीजों की बातें करेंगे, उसके बाद एक और है, क्या है चीज हमें वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा? एक सोर्स ऑफ लाइट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने देता है, और एक सोर्स ऑफ लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट, कैंडल, टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, एनीथिंग। ओके, दो चीजें हमें होना बहुत जरूरी है। ओके, और शेडो, शेडो कहाँ बनती है? देखिए, ये है कि लाइट आपके किस एंगल से उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है। ओके, हमेशा जो शेडो है वो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। मीन्स हम सन के सामने खड़े हुए हैं, है ना। मीन्स हमारा जो फेस है वो सन के सामने है, सनलाइट के। okay? तो हमारे पीछे की तरफ शेडो कहाँ बनेगी? हमारे बैक साइड में, क्योंकि फ्रंट में क्या है, हमारी सन है, तो उसके बैक साइड में शेडो बनेगी। अगर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से सनलाइट आ रही है, तो शेडो कहाँ बनेगी? राइट साइड बनेगी, और राइट से आ रही है तो लेफ्ट में बनेगी, ऊपर है तो नीचे बनेगी। मीन्स लाइट जहाँ से पड़ रही है ना, मीन्स लाइट जहाँ से आ रही है उसके अपोजिट, मीन्स उल्टी डायरेक्शन में हमेशा शेडो बनती है। ठीक है, ये आप एक्टिविटी घर पर भी करके देख सकते हैं इजीली, दिन के टाइम, दोपहर के समय, शाम के समय, जब सन क्या होता है, सनराइज होता है, जब सन एकदम आपके बिल्कुल ओवरहेड होता है, बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और शाम को जब सनसेट होने वाला होता है, तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि जो शेडो है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है। सन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? चेंज होती रहती है, तो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो शेडो की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। मॉर्निंग में शेडो कहाँ बनती है? अगर आप सन की तरफ फेस है आप, तो आपका बैक साइड में शेडो बनेगी। दोपहर जो होती है ना, एकदम जो आफ्टरनून का टाइम होता है, सन एकदम बिल्कुल ऊपर होता है, तो आप देखेंगे शेडो एकदम नीचे फ्लोर पर बनती है। ठीक है, और शाम के टाइम क्या होता है? उसके अपोजिट, जहाँ सनलाइट है उसके भी अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है। ठीक है, तो ये चीज है कि शेडो के लिए हमें दो चीजें जरूरी हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट, और हमेशा शेडो कहाँ बनती है? सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नाउ व्हाट एल्स? मीन्स इसके अलावा हमें और क्या चीज चाहिए शेडो को बनाने के लिए या शेडो को देखने के लिए? ठीक है, देखिए इसमें एक एक्टिविटी है। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क इन द इवनिंग। गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। इवनिंग में कहाँ? ओपन ग्राउंड में जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ।
टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू. क्या क्या लेना है आपको? एक टॉर्च लेनी है और क्या लेना है? लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड का एक पीस लेना है आपको, है ना. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस. ओके, मीन्स टॉर्च को होल्ड करके रखना है ग्राउंड से, है ना. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स, ठीक है, मीन्स नीचे की तरफ हमें उसको रखना है, किसको? टॉर्च को. और नीचे से लाइट हमें कहाँ डालनी है? उसके फेस पर, ऊपर की तरफ हमें लाइट डालनी है, ठीक है. और अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमेशा शेडो कहाँ बनेगी? अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स नीचे से अगर हम लाइट डाल रहे हैं तो शेडो कहाँ बननी चाहिए? ऊपर. बट ऊपर क्या है? ऊपर आपको कोई फ्लोर या कोई वॉल कुछ नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है ना हमारे ऊपर, केवल आपको नीचे ऊपर की तरफ स्काई नजर आएगा. तो स्काई में तो शेडो बनेगी नहीं आपकी, तो उस शेडो को आप देख पा रहे हैं? अपनी शेडो को आप ऑब्जर्व कीजिए, नीचे से अगर लाइट आप फेस के ऊपर डालेंगे तो शेडो ऊपर की तरफ बनेगी, और ऊपर कोई आपको कोई स्क्रीन नहीं है, मीन्स ना कोई वॉल है, ना कोई फ्लोर है, ना कोई ग्राउंड है, ठीक है, जहां आप अपनी शेडो को देख सकते हो. तो इट मीन्स ये नहीं है कि शेडो बन ही नहीं रही है, शेडो तो बनेगी बट आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि वहां ऊपर कोई भी स्क्रीन नहीं है, है ना, मीन्स कोई फ्लोर नहीं है, तो इसीलिए आप अपनी शेडो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. ओके, यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारे पास क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, और वो किस पर पड़ रही है? ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट क्या हो गए? हम हो गए खुद, है ना. इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर वहां कोई भी ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड योर फ्रेंड, उसके पीछे अगर कोई भी ट्री नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पीछे, तो वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? तो क्या हम अपने फ्रेंड का जो हेड है उसकी शेडो देख पाएंगे? नो. This does not mean that there is no shadow, ना? It means ये नहीं है कि वहां कोई shadow ही नहीं बन रही है. Okay? देखिए इस picture में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये है, ये समझ लीजिए कि अभी पीछे ये नहीं है, ठीक है, केवल यहाँ से एक लाइट इसके फेस पर पड़ रही है. तो देखिए यहाँ पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे से हम डालेंगे तो इसकी हेड पर, यहाँ पर इसकी शेडो कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी. बट पीछे भी क्या है? खुला ओपन एरिया है, ग्राउंड है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई ग्राउंड वॉल नहीं है, तो वहां हमें शेडो दिखाई नहीं दे रही है. इट मीन्स नहीं है कि शेडो बन ही नहीं रही है, शेडो तो बनती है बट उसको देखने के लिए क्या स्क्रीन नहीं है, ना ऊपर है ना साइड में, है ना. सो आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड. ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि शेडो ही नहीं बन रही है, मीन्स शेडो नहीं बन रही है तो इट मीन्स ये तो नहीं हो गए कि हम ट्रांसपेरेंट हो गए. हम ट्रांसपेरेंट तो नहीं होती ना, ह्यूमन बॉडी क्या है? एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम अपने जो लाइट है उसको पास नहीं होने देते हैं, वही हम क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं. तो फेस से मतलब पार होके लाइट बाहर तो नहीं जा रही है, इट मीन्स हम क्या है? ऑपेक ऑब्जेक्ट है. बट शेडो हमारी दिखाई नहीं दे रही है. क्यों नहीं दिखाई दे रही है दूसरी साइड में? Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. ठीक है, अब क्या किया इन्होंने? एक और अपने फ्रेंड को यहाँ खड़ा किया और उसके हाथ में क्या दे दिया? एक कार्डबोर्ड दे दिया. अब क्या मिल गया? एक स्क्रीन बन गई, मीन्स एक इसको ऐसी जगह मिल गई शेडो को बनने के लिए, है ना, दिख रही है आपको? अब अगर यहाँ से हम इस पे लाइट डालेंगे तो इसकी शेडो पीछे बन जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी. आगे से हम लाइट डाल रहे हैं तो पीछे बनेगी, तो यहाँ पीछे शेडो इस तरीके से बन जाएगी, क्योंकि हमें अब पीछे हमने क्या लगा दिया? एक कार्डबोर्ड लगा दिया है, शीट बना दिया, बस एक स्क्रीन मिल गई है, एक फ्लोर मिल गया है जहां वो शेडो को बना सकते हैं, है ना, दिखाई देगी जहां हमें शेडो. इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन. ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि जो शेडो है वो केवल कहां दिखाई देती है? एक स्क्रीन के ऊपर. The ground walls of a room they
देखिए एक बार यहाँ और देखिए, इस तरीके से हैं हम हैंड से अपने बहुत सारी शेप्स इस तरीके से वॉल पे बना सकते हैं। सामने एक कैंडल रख लीजिए, कैंडल पर अगर अलग अलग अपने फिंगर से, है ना, हैंड्स फिंगर से अगर इस तरह से शेप बनाएंगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग शेप वॉल पे नजर आएंगी, है ना। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको करके भी देख सकते हैं, अलग अलग बनाकर अपना। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच सर्फेसिज एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बिल्डिंग होती हैं, ट्रीज होते हैं या ग्राउंड होते हैं, ये सारी चीजें क्या एक स्क्रीन की तरह एक्ट करती हैं। मीन्स यहाँ एक सरफेस मिल जाता है शेडो को बनने के लिए। शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस शेप ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। समटाइम्स शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जो शेडो होती है उसकी शेप होती है वो हमें मिसलीड भी कर सकती है, मीन्स हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इन फिगर 14.4 आर अ फ्यू शेडोज दैट वी कैन क्रिएट विद आर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव फर, है ना। जिस तरीके से हैंड से ये बना रहे हैं, अगर हम केवल शेडोज को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई एनिमल की शेप है, बट ये शेप्स हम कहाँ से बना रहे हैं, अपने हैंड से बना रहे हैं, फिंगर्स से बना रहे हैं। ओके, तो ये है कि शेडोज की जो शेप होती है वो बहुत बार तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे कि हाँ किस ऑब्जेक्ट की शेडो है, बट कई बार हम उस शेडो को पहचान नहीं पाते किस चीज की है। हो सकता है किसी और चीज से वो शेडो बनाई जा रही है। ठीक है, देखिए एक और एक्टिविटी है इसमें। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। एक चेयर है स्कूल ग्राउंड में रखी है, सनी डे है मीन्स अच्छे से सनलाइट आ रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर, चेयर की जो शेडो है उससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज। मीन्स उस वो जो चेयर है वो किस पोजीशन में रखी हुई है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चेयर है या कुछ और है। ठीक है, अगर वो सीधी रखी है सनलाइट के सामने, जहां से सनलाइट आ रहे हैं उसकी फेस पे हमने बिल्कुल सीधी चेयर अगर रख दी तो वो हमें चेयर की एक शेडो मिल जाएगी, बट हमने उसे हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, घुमा दिया, उसको उल्टा रख दिया, थोड़ा टेढ़ा रख दिया, तो हो सकता है मे बी हम उस चेयर की जो शेडो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं बन पाए। ओके, टेक अ थिन नोटबुक नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो। एक बिल्कुल पतली सी नोटबुक लेके उसकी शेडो देखिए, देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। डू द टू शेडो सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप। नोटबुक अगर आप देखेंगे तो उसकी शेडो भी वैसे ही बनेगी, और अगर बॉक्स अगर देखेंगे तो उसकी शेडो भी वैसे ही बनेगी, है ना। मीन्स शेडो को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये बुक है या बॉक्स है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडोज, रेड रोज एंड अ येलो रोज। फॉर इंस्टेंस, डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ऐसा नहीं होता, चाहे किसी भी कलर का हम फ्लावर वहां रख लें, रेड, येलो, ब्लू, है ना, तो लेकिन हमें शेडो हमेशा कैसी लगेगी, ब्लैक ही नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि रेड कलर का रोज है तो शेडो रेड बन गई है या येलो बन गई है, ऐसा नहीं होता। चाहे किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट है, शेडो हमेशा उसकी ब्लैक ही होती है। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस, है ना। मीन्स बॉक्स को अलग अलग पोजिशन में रखकर अगर हम उसकी शेडो बनाएंगे तो हमें हर बार उसका जो साइज है शेडो का वो अलग अलग नजर आता है। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, वेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन, और वेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। ओके, मीन्स ये है कि शेडो आपने देखा होगा बहुत बार बहुत छोटी सी शेडो बनती है और कई बार बहुत बड़ी शेडो बनती है, तो वो डिपेंड करता है कि सन या सनलाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है उससे आप कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं। ओके, मीन्स अगर आप उसके बहुत पास हैं तो शेडो बहुत छोटी बनेगी, और डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी शेडो उतनी ही लॉन्ग बनेगी। ओके,
जैसे होता है दोपहर के टाइम पर, दोपहर में क्या होता है आफ्टरनून में सन एकदम बिल्कुल आपके ऊपर होता है, थोड़ा पास होता है, ठीक है, तो आपकी जो शेडो है बहुत छोटी बनेगी, आपने देखा होगा। बट शाम के टाइम या सुबह के टाइम, शाम के टाइम क्या होता है शेडो बहुत लंबी बनती है ना, क्योंकि सन और आपका जो डिस्टेंस है बीच का वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कैंडल है, कैंडल के आप अगर बिल्कुल पास खड़े होंगे तो शेडो छोटी बनेगी, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे शेडो उतनी ही लंबी बनती जाती है। ओके, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिस्टेंस है कि सोर्स ऑफ लाइट के आप कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो शेडो का साइज है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पिन होल कैमरा, कि कैमरा हम किस तरीके से एक बॉक्स से बना सकते हैं। ओके, तो अभी बस हमने आज यही पढ़ा है कि शेडोज किस तरीके से बनती है ना, और शेडो को बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो क्या समझ में आया आपको शेडो क्या होती है? शेडो क्या होती है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, दिस क्रिएट्स अ डार्क एरिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, दिस एरिया इज कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, अपने अंदर से पास नहीं होने देता, तो उससे क्या बनता है कि ऑब्जेक्ट के जो पीछे एक डार्क कलर का पैच बन जाता है, डार्क एरिया बन जाता है, उसी डार्क एरिया को क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट की शेडो बोलते हैं। ओके, सिंस द शेडो इज क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्टॉप्स द लाइट, ओके, इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड ओनली शोज द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमेशा कैसी होती है, वो ब्लैक होती है, और क्या बता सकते हैं, केवल उसकी आउटलाइन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, केवल उसकी आउटलाइन हम बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जो बीच का जो भी होता है मटेरियल वो हमें उसमें दिखाई नहीं देता, केवल हम आउटलाइन उसको शो करता है, ठीक है। और हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है शेडो के लिए, सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट हुज शेडोज विल बी क्रिएटेड, एंड एन ओपेक स्क्रीन या सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द शेडो विल फॉर्म, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे एक हमें स्क्रीन चाहिए होती है जहां पर उसकी शेडो बनेगी। ओके, तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो रीड द चैप्टर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।